नमस्कार दोस्तों, रसोई किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सौंठ के लड्डू। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ें डाली हैं और इसमें आपको मेवे काटने की झंझट भी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ये वीडियो आप पूरा देखें और आप भी सौंठ के लड्डू देसी घी के साथ बनाएँ और खाएँ, सर्दी भगाएँ। चलिए बनाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें ऐसे ही ली हैं, काटा मैंने नहीं है। काजू, बादाम, गरी, छुहारा आधा आधा कप मैंने लिया है। तो आपको जिस मात्रा में बनाना हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ये मैंने गोंद लिया है, किशमिश, अलसी। तो आपको जितने मेवे डालना हो उस हिसाब से ले सकते हैं। ये हमने 1/4 कप अलसी लिया है, इसको हम भून लेंगे। इसमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ये भुना जाता है। अलसी जब पक जाती है तो ये बहुत उछलती है। आप देख सकते हैं कितना ये चिटक रही है। इसको मैं ढक दूंगी वरना पूरे किचन में फैल जाएगी। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी या धीमा कर दूंगी। तो इसको हम निकाल लेते हैं। मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है इसको, एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी, ये मैं 1/2 कप डाल रही हूँ। घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें 1/4 कप गोंद लेंगे। सारा गोंद मैंने डाल दिया है। अब अच्छे से जब गोंद फूल जाए तो उसके बाद हम निकाल लेंगे। इसमें गोंद भी पड़ता है, गोंद बहुत ही फ़ायदा करता है। तो आप इसको सर्दियों में जब लड्डू बनाएं तो इसको ज़रूर डालें, कमर दर्द के लिए ये बहुत ही बढ़िया रामबाण है। अब हम काजू डाल देंगे 1/2 कप, 1/2 कप छुहारा, 1/2 कप बादाम। आपको जिस मात्रा में बनाना हो लड्डू उस हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 कप मैंने नारियल लिया है जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है कि मिक्सी में पीसने में आसानी रहे। बिल्कुल धीमी आंच में हम सारे मेवों को फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया भुन गए हैं। इनको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। अब हमने गैस को बंद कर दिया है। मखाने और किशमिश को डाल देते हैं, इनको भी फ्राई कर लेंगे। बाकी का जो बचा घी है उसी में, ज़्यादा हम घी नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं ये भी अच्छे से किशमिश फूल गई है। मेवों को जब हम तल लेते हैं तो बहुत ही अच्छे लड्डू बनकर तैयार होते हैं और आप ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अब हम मेवों को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो आप इसमें और जो मेवे डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं। तो सारे मेवे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अलसी भी हम रख देंगे और हम आटा भूनेंगे। आटा मैंने 1 किलो लिया है, आप देख सकते हैं। कप से नापेंगे तो ये 3 कप है। अब हम डालेंगे घी। टोटल घी इसमें 1/2 किलो लगा है। आटा डालकर हम भून लेते हैं धीमी आंच में। जब तक आटे में अच्छी खुशबू ना आने लगे तब तक हमें भूनना है। ज़्यादा तेज कर देंगे तो आटा हमारा अच्छा नहीं लगेगा, कच्चा रहेगा। पिछले बार मैंने बनाया था तो उसमें मैंने तेल का यूज किया था, गुड़ और तेल के साथ मैंने बनाया था। तो इस बार मैं बना रही हूँ तो घी के साथ। तो वो वीडियो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो ये वीडियो को भी आप बहुत पसंद करना। आटा हमारा भुन गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आटा को हम रख देते हैं। अब सारे मेवे हम पीस लेते हैं मिक्सी जार में डालकर। जो किशमिश है उसको हम नहीं पीसेंगे, उसको ऐसे ही डालेंगे। खाली काजू, बादाम और गरी को हम पीसेंगे, मखाने भी पीस लेंगे। इस तरह में पूरे आटे में मेवे मिल जाते हैं। जब हम अगर काट कर डालते हैं तो मुँह में थोड़ा दांतों में फंसता है। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों सभी खा सकते हैं इस लड्डू को। तो एक लड्डू आप सुबह सुबह बच्चों को देंगे और 1 गिलास दूध तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं मेवे हमारे अच्छे से पिस गए हैं। इस तरह से आप पंजीरी भी बनाकर रख सकते हैं।
अब हम आटे में मिक्स कर देंगे। मिक्सी को जब चलाएं मेवे को पीसने के लिए तो रोक रोक के चलाएं। अलसी भी हम डाल देते हैं, सारे मेवे भी डाल दिए हैं, अब इसको भी पीस लेते हैं। ये पीस गया है। ये लड्डू आप एक बार बनाएंगे, बार बार बनाने का मन करेगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। गोंद को हम ऐसे ही हाथों से मसल देंगे, तो जब ये मुंह में आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट इसका। तो आप इसको ना मिक्सी में पीसें, ऐसे ही डालेंगे तो अच्छा लगेगा। इस तरह से आप लड्डू बनाकर रखेंगे तो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सभी के लिए बहुत ही फायदा करता है। कोरोना आप देख सकते हैं फिर से बढ़ रहा है, तो इस तरह की एनर्जी वाली चीज़ें खाएंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। अच्छे से आटों में हम सारे मेवे मिक्स कर देंगे। आप इसी समय गुड़ डालना चाहें तो गुड़ डाल सकते हैं, मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी को हम पीस लेते हैं। ये 1.5 कप मैं चीनी ले रही हूँ, 3 कप आटा है, तो 1.5 कप चीनी। ज़्यादा मैं मीठा लड्डू नहीं बनाऊँगी। थाली मेरी छोटी है तो मैं इसको बड़े बर्तन में पलट लेती हूँ। आटे में हम चीनी मिक्स कर देंगे। ये हम 1/4 कप सौंठ का पाउडर लेंगे। ये घर का ही बना हुआ सौंठ का पाउडर है। घर में आप सौंठ का पाउडर कैसे बनाएं ये वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, मैंने सौंठ का वीडियो डाला है जो। ये हम हल्दी पाउडर लेंगे 2 टेबल स्पून। इसको हम 1/2 कप घी के साथ पका लेंगे। घी अच्छे से जब पिघल जाए उसके बाद हम हल्दी डाल देंगे। हल्दी भी बहुत ही फायदा करती है, तो आप इसको भी ज़रूर डालें। एक इसमें गड्ढा जैसे बना देंगे, उसी में हम इसको डाल देते हैं। हल्दी अच्छे से जब पक जाए उसके बाद ही डालें। मैंने ज़्यादा हल्दी नहीं डाला है, हल्का ही डाला है। तो आप इसमें 3 टेबल स्पून डाल सकते हैं। अगर न्यू माँ के लिए बना रहे हैं, नॉर्मली बना रहे हैं, तो 2 ही टेबल स्पून डालें। हाथों से हम इसको मिक्स कर देते हैं। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अब बहुत ही कम समय में ये लड्डू बनकर तैयार भी हो जाते हैं और सभी लोग इसको बना सकते हैं। ज़्यादा दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको लड्डू नहीं बनाना आता है तो आप ऐसे ही रख दीजिए, कटोरी में निकालिए और खाइए। गरम गरम दूध डालकर आप इस पंजीरी को खाएंगे तब भी बहुत ही अच्छा लगेगा, और अगर लड्डू बना कर रख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ, मीडियम साइज के, ज़्यादा बड़े ना या छोटे। तो आप 1 लड्डू खाएंगे, 1 गिलास दूध पिएंगे, आपकी एनर्जी आ जाएगी। सारे लड्डू हम ऐसे ही बना लेते हैं। इसमें मैंने 1/4 कप पीपली भी डाला है, वो वीडियो नहीं सूट हो पाया है, तो इसमें आप पीपली भी ज़रूर डालें, तभी ये सौंठ का लड्डू यानी कि सौंठेला तैयार होगा। सौंठ के लड्डू हमारे यानी कि सौंठेला बनकर तैयार हो चुके हैं। 1 लड्डू मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कितने बढ़िया बने हैं देसी घी से। आप इसको 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में, बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो आप इसको जब भी खाना चाहें ज़रूर बनाकर रखें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।